नर्मदे हर, गणपति महाराज की जय। तो ये हैं फरस विनायक। इनका नाम फरस विनायक इसलिए है क्योंकि इन गणेश जी की प्रतिमा के हाथ में एक फरसा है, इसलिए इस मूर्ति गणेश जी को फरस विनायक नाम दिया। ये एक पहाड़ है अमरकंटक में, उस पहाड़ में एक चट्टान है जिस पर ये प्रतिमा उकेरी गई है, और यहाँ तक आने के लिए आपको धूनी पानी के रास्ते से जंगल से होकर के आना पड़ेगा। थोड़ा सा दुर्गम रास्ता है लेकिन बहुत कठिन नहीं है, किसी यहाँ स्थानीय व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही आप यहाँ आ सकते हैं, अन्यथा यहाँ आने जाने के लिए कोई मार्ग संकेतक नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं, जानकारी नहीं, तो किसी सहयोगी को लेकर के आप यहाँ आ सकते हैं। रास्ते में जंगलों के बीच से होते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बड़ी प्राचीन ये मूर्ति है और बड़ा इसका महत्व है, बहुत सारे लोग अमरकंटक के खास करके लोग यहाँ गणेश जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और फरस विनायक के नाम से इस प्रतिमा को जाना जाता है। तो गणेश जी की ये प्रतिमा है और बड़ी सुंदर मोहक प्रतिमा है, जिनके एक हाथ में फरसा है, इसलिए ये फरस विनायक है।